नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तेजस बिंद्रे है और आज के इस पॉडकास्ट में हम जो है वो गोल्डवेव इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी देने वाले हैं। गोल्डवेव एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, उसको एडिटिंग कर सकते हो, इफेक्ट देना है वो भी दे सकते हो, और भी बहुत सारे फीचर इस सॉफ्टवेयर में हैं। अगर आपका इंटरेस्ट ऑडियो के रिलेटेड है, ऑडियो में है, तो आपको ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा लगेगा। आज के इस पार्ट में हम देखेंगे कि गोल्डवेव इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है, उसको कहाँ से एक्टिवेट करना है, रिकॉर्डिंग कैसे करना है उसमें, और उसी के साथ इसको रिकॉर्डिंग करते वक्त जो जो शॉर्टकट की लगने वाली है वो क्या क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस पार्ट में बताने वाला हूँ। तो हम जाते उस जगह पे जहाँ पे मैंने वो सेटअप फाइल रखे हुए हैं। अगर आपके पास सेटअप फाइल नहीं है तो आप उनके वेबसाइट से जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, परंतु वो डेमो वर्जन होगा तो आपको परचेस करना है, परचेस कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कुछ एक्टिवेटर मिला है तो उसके ज़रिए जो है वो उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी सेटअप Pause है stop button alt S. तो मैं Desktop list. जाता हूँ Admin वहाँ window. पे। Items view list. App D. ID. Dot D. Downloads. App. Downloads. Item. Gold Wave 6.51 zip 26 of 5. 6.51, ये जो 6.51 वर्जन जो है या 6 सीरीज़ के जो भी वर्जन है वो सिर्फ 64 बिट के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको ही सपोर्ट करता है। अगर आपके पास 32 बिट का ओएस है तो आपको जो आखिरी वर्जन है गोल्ड वेव का सपोर्टेड वो है 5.7, वो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपका ओएस 32 बिट है। तो ये जिप फाइल है तो इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। Context menu, open, open and extract 7 zips, open arc, open extract here, extract the gold wave 6 point, downloads window, items view list, gold wave 6.51 zip 26 of 54, gold wave 6.51 zip 27 of 55. ये जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है, मैं जी प्रेस करता हूँ, gold wave 6.513 of 55. ये फोल्डर हो चुका है, एंटर करता gold हूँ। wave, install gold wave 6 screen reader enhancements. इसमें ऐसे कुछ फाइल हो सकते हैं, अगर आपको इस तरीके का सेटअप मिला है तो बेटर ये होगा कि आप एंटीवायरस अपना जो है वो डिसेबल करें टेम्पररी, क्योंकि इसमें के कुछ फाइल्स वो हो सकता है कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद डिलीट कर दें। तो इसमें क्या क्या है देखते Install हैं। screen reader enhancements 1 to 4. स्क्रीन रीडर इन्हांसमेंट यानी जो कि जॉस के स्क्रिप्ट है या एनवीडी का एड ऑन है या जो भी है वो आपको मिल जाता है अगर आपको इस तरीके का सेटअप किसी ने दिया है। तो Install gold wave 651x 2 of 4. ये सेटअप फाइल, PTXT 3 of 4. ये एक्टिवेटर है PGNX 4. और ये और एक एक्टिवेटर है। Install gold wave तो 651x2 इंस्टॉल of करते हम। install dialog this program will install gold wave v6.51 on your system to change installation इंस्टॉल settings करना choose next बहुत to ही exit आसान without है वैसे। installing choose cancel next button alt n नेक्स्ट है तो नेक्स्ट space कर देते हैं pressed हम। install folder grouping install folder कहाँ पे इंस्टॉल करना ये पूछ रहा है तो choose options create a show add menu back button finish button मैं कुछ भी ना करते हुए फिनिश कर देता हूँ। installation progress dialog installation complete dialog the software is now installed okay button तो ये इसने कहा है कि ये अपना सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, ओके करता हूँ। Space pressed. इसके बाद जो है वो आपको दो चीज़ें करनी है, तो उस सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करना है अगर आपके आपने परचेस किया है तो उसका लाइसेंस की आपके पास आया होगा, Screen reader enhancements. और दूसरा जो है वो जो स्क्रीन इन्हांसमेंट्स है जो कि स्क्रिप्ट है बेसिकली, तो ये आपको इंस्टॉल करने हैं। हम पहले जो है वो स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर लेते हैं। Items view list. Gold War 5-6 JAWS scripts 2014. इसमें जावा स्क्रिप्ट्स हैं, Gold Wave 19.04 for NVDA 2019.2.1 and below, NVIDIA के Diad, add-on Gold है, Wave 20.04 for current releases of Diad and 3 of 4. NVIDIA का और एक add-on है, Windows Eyes Gold Wave 0.27 Web 4 of 4. और ये Windows Eyes का एक स्क्रिप्ट है। अगर आपको ये जावा स्क्रिप्ट या NVIDIA का add-on नहीं मिला है तो आप इसको सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हो, NVIDIA add-on for Gold Wave या जॉ स्क्रिप्ट फॉर गोल्ड वेव, ये आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो एनवीडिया का जो एड ऑन है उसके ऊपर एंटर करता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी एनवीडिया रनिंग है। एड ऑन इंस्टॉलेशन डायलॉग आर यू श्योर यस बट नॉट व्हाई यस करता हूँ मैं। एड ऑन इंस्टॉलेशन डायलॉग नो बट यस बट नॉट व्हाई रीस्टार्ट एनवीडिया डायलॉग चेंजेस वर मेड इन स्क्रीन रीडर एनहांसमेंट्स विंडो आइटम्स व्यू लिस्ट गोल्ड वॉल 20.04 फॉर करंट रिलीज। उसी के साथ हम Gold Wave 5-6 JAWS scripts 2 Gold Wave 5-6 JAWS scripts 2014. कहीं पे ये फोल्डर होता है, कहीं पे ये exe फाइल होती Items है। View list, Gold Wave तो आपको करना क्या है अगर ऐसे कुछ फाइल मिलते Gold हैं? Wave 91 of 19. Gold Wave INI.INI. Gold Wave JPS 2 of 19. JBS. Gold Wave JCF 3 of 19. JCS. ऐसे अगर फाइल मिलते हैं तो ये सारे फाइल को आपको कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट ऑल करना है
कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी से, मैंने दोनों ही चीजें कर ली है। इसके बाद हम जाएंगे स्टार्ट मेन्यू में, Start window, first, all और new, gen, expand the यहाँ पे हमें ढूंढना है जॉस का फोल्डर, J grouping, Jaws script, Jaws 2020 folder, collapsed. इसको कलेप्स है तो एक्सपेंड करता हूँ space expanded, Jaws 2020 folder, Jaws 2020 utilities, Jaws 2020, ये जो यूटिलिटी ऑप्शन है इसको एंटर करना है। Utilities window, items view list, braille. यहाँ पे एक फोल्डर है, explore my settings, explore scripts 5 of 16, explore scripts, explore, enter करता हूँ, scripts window, preview, level 1, this PC not, इसमें एक NU फोल्डर है, पहला ही फोल्डर है, items N1 of 1173, ये, और इसमें जाके हम इसे पेस्ट कर देंगे, replace or skip files, cop, skip these to replace the files in the destination button, ये मुझे रिप्लेस करने को बोल रहा है क्योंकि ऑलरेडी मेरे यहाँ पे थे, तो मैं रिप्लेस कर लेता हूँ फिर भी। Pause the end window, items view list. तो ये रिप्लेस हो चुके हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। अगर आपको जॉस स्क्रिप्ट की एक सी फाइल मिली है, मतलब सेटअप फाइल मिली है, तो उसे जस्ट आप एंटर करते हो तो वो आपको पूछेगा कि कहाँ पे इंस्टॉल करना है, वहाँ पे जस्ट आपको नेक्स्ट करना है, बाकी कुछ करना नहीं, वो ऑटोमेटिकली जहाँ पे कॉपी होने होते हैं वो इजिली कॉपी हो जाते हैं। अभी हमें जाना है और यहाँ G, पे gold wave 10 of 34. जो है वो उसको एंटर करेंगे gold wave, workspace. जैसे ही गोल्ड वेव को फर्स्ट टाइम आप ओपन करते हो तो आपका सॉफ्टवेयर भी ओपन हो जाता है, उसी के साथ मैनुअल भी जो है वो ओपन हो जाता है। आप चाहे तो मैनुअल पढ़ सकते हो, पूरा एक्सेसिबल है और समझने में भी ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए वो रीड कर सकते हो। और इसे अगर फ्यूचर में अगर आपको पढ़ना है तो हेल्प मेन्यू में एल प्लस एच करके आप हेल्प मेन्यू में जाके वहाँ से भी मैनुअल को एक्टिवेट कर सकते हो। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए आपके पास एक लाइसेंस की होगी और एक यूज़र नेम होगा। तो जब आप गोल्डवे ओपन कर लेते हो तो आपको जाना है ऑप्शन मेन्यू में, जो कि आप जा सकते हो अल्ट प्लस ओ करके, उसके बाद आपको अप एरो करना है, वहाँ पे आपको रजिस्टर करके एक ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप उसके ऊपर एंटर करते हो तो आपको वहाँ पे दो एडिट बॉक्स मिलेंगे, एक है यूज़र नेम और दूसरा होता है लाइसेंस की। तो दोनों ही जगह पे वो डिटेल्स आप डाल दो और ओके करते हो। अगर आपका वो लाइसेंस की और यूज़र आईडी वैलिड है तो वो एक्टिवेट होने के बाद बोलेगा आपको कि योर सॉफ्टवेयर इज़ नाउ एक्टिवेटेड, और फिर उसके बाद आप ओके पे स्पेस करके आगे की चीज़ें कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे गोल्डवे ओपन है और फिलहाल यहाँ पे कोई भी फाइल ओपन नहीं है, सिर्फ गोल्डवे सॉफ्टवेयर ओपन है। और आप चाहे तो आपके पास अगर कोई पुरानी ऑडियो फाइल है तो कंट्रोल ओ के ज़रिए, मतलब कंट्रोल प्लस ओ करके वहाँ से आप ढूंढ के वो फाइल जो है वो इसमें ओपन कर सकते हो, और उसके बाद उसमें जो भी चीज़ें चेंजेस करनी है वो आप कर सकते हो। या फिर आपको नई फाइल क्रिएट करनी है या न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए आप प्रेस कर सकते हो कंट्रोल प्लस एन, मैं वही प्रेस करने वाला हूँ अभी। New sound dialogue, quality and duration grouping, number of channels, combo box 2, stereo collapsed. ये कुछ ऑप्शन है, टैप करता हूँ। Sampling rate, combo box collapsed, edit selected 44,100. Channel, sampling rate. Initial file length, hh:mm:sst, presets grouping, combo box collapsed, cancel button, OK button. और OK button. Gold wave, workspace, untitled 1. Untitled 1, तो यहाँ पे नई फाइल ओपन हो चुकी है untitled नाम से, और यहाँ पे फिर आप इसके ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हो, और रिकॉर्ड करने के बाद आप उसके ऊपर जो भी चीज़ें अप्लाई करनी है वो कर सकते हो। हम अभी यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, पर रिकॉर्ड करने के पहले अगर आपका लैपटॉप है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका डेस्कटॉप है तो आप ठीक से माइक वगैरह कनेक्ट कर लो, माइक के स्लॉट में माइक का जो पिन है वो आप इंसर्ट कर लो, और भी एक से अगर आपको सेटिंग करनी है तो आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट रन करने के बाद अगर F11 प्रेस करते हो तो आपको वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है। मैं अभी यहाँ पे F11 प्रेस करता हूँ। Control properties dialog, tab control, play tab selected. तो यहाँ पे कुछ मल्टीपल टैब्स है, पहला ही है प्ले, कौन कौन सा टैब है वो देख लेते हैं। Record tab selected. प्ले था, रिकॉर्ड है। Visual tab selected. Visual. Device tab selected. Device. System tab selected. System. ये कुछ टैब है, प्ले में देख लेते हैं क्या है। Record play tab select. टैप करता हूँ यहाँ पे मैं। Play property page, play one grouping, combo box all collapsed. Loop, checkbox not checked, edit selected 10. Play 2 grouping, combo box selection collapsed. Loop, checkbox not checked, edit selected 10. Play 3 grouping, combo box continue to end collapsed. Loop, checkbox not checked, edit selected 10. Fast rewind speed grouping, fast edit alt F selected 2.00. ये आप fast rewind, fast forward की जो speed है
वो आप यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हो. Rewind, edit all tar selected 1.00, marker preview, scrubbing, grouping, preview duration, S, combo box preview marker when moved using keyboard only collapsed, OK button, cancel but help button, tab control, play tab. Option play tab में थे. मैं ज़्यादा कुछ explain नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो important है वही मैं आपको explain कर रहा हूँ. अब ज्यादा कंफ्यूज ना हो इसलिए. रिकॉर्ड टैब सिलेक्टेड. रिकॉर्ड टैब पे हम आए हैं. टैप करता हूं. रिकॉर्ड प्रॉपर्टी पेज. रिकॉर्डिंग ऑप्शंस ग्रुपिंग यूज न्यू फाइल ड्यूरेशन चेक बॉक्स नॉट चेक्ड. कॉम्बो बॉक्स कोलैप्स्ड. एडिट सिलेक्टेड 0100. डिक्टेशन मोड चेक बॉक्स नॉट चेक्ड. मॉनिटर इनपुट ऑन विजुअल्स चेक बॉक्स नॉट चेक्ड. CTRL की सेफ्टी चेक बॉक्स नॉट चेक्ड. सेट फिनिश मार्कर एट स्टॉप चेक बॉक्स चेक्ड. शो सेटिंग्स विंडो चेक बॉक्स चेक्ड. फिल्टर डीसी शो सेट फिनिश मार्कर एट स्टॉप चेक बॉक्स चेक्ड. Go settings window checkbox checked. Filter DC offset checkbox not checked. Auto save checkbox not checked. Auto save आप चाहे तो वो कर सकते हो अगर आपकी यहाँ पे कोई power का issue है या आपको लगता है कि मेरे computer में कुछ दिक्कत हो सकती है और कुछ important है तो वो आप save auto save कर सकते हो. Delayed recording grouping timer checkbox not checked. All level activated checkbox not record mode grouping bounded to selection radio button checked. यहाँ पे तीन option है. Record mode bounded and loop radio button checked. Bounded and loop. Unbounded radio button checked. Unbounded मतलब आपको अगर unlimited recording करनी है तो आप unbounded यहाँ पे आके select कर सकते हो. यहाँ पे कितने भी समय का recording जो है वो आप कर सकते हो. Tap करता हूँ. Okay button. Okay last option था. हम जाते हैं अगले tab. Cancel help button. Tab control. Visual tab selected. अगला visual tab है. इसमें ज़्यादा कुछ जाते नहीं हैं. हम next tab पे जाते हैं. Device tab selected. Device tab, tap करता हूँ मैं. Device property page 100.00, playback grouping, combo box speakers, Realtek high definition audio, 0DD9 collapsed. यहाँ से जो है वो speaker output जो है वो select कर सकते हो. आपको जो उसमें जो recording होने के बाद आपके headphone में आपको sound आना चाहिए या किस speaker पे आना चाहिए जो भी है वो आप output यहाँ से try कर सकते हो. Test button. और यहाँ से test भी कर सकते. Latency, S. Edit selected 0.50, alternative initialization checkbox not checked. Quality, 48,000 Hz 232. Record grouping, combo box stereo mix, Realtek high definition audio, 0DCD collapsed. अभी यहाँ पे जो है वो record का जो combo box है वो है. मतलब आपको अगर multiple आपने device लगा रखे हैं input के लिए, मतलब mic वगैरह अगर लगा रखा है तो वो यहाँ से आप जो है वो तय कर सकते हो. मेरा अभी stereo mode है, यानी मैं अभी जो record कर रहा हूँ ये inbuilt recording हो रही है. inbuilt यानी मेरा आवाज़ तो record हो रही रहा है mic के ज़रिए, पर उसी के साथ जो कंप्यूटर में जो भी प्ले हो रहा है वो अंदर से अंदर रिकॉर्ड कर रहा है. उसको बोलते हैं स्टेरियो मोड. उसके लिए हमें स्टेरियो मोड जो है वो ऑन करके यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता है. यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है वो देख लेते हैं. लूपबैक स्टीरियो मिक्स Realtek हाई डेफिनेशन ऑडियो. स्टीरियो मिक्स जो मैंने कहा वो. लूपबैक Realtek डिजिटल आउटपुट Realtek हाई डेफिनेशन ऑडियो 0EAA. लूपबैक स्पीकर्स Realtek हाई डेफिनेशन ऑडियो 0DD9. माइक्रोफोन वोमिक डिवाइस 0CDP. ये अलग अलग डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर को कनेक्टेड है फिलहाल, तो यहाँ से आप वो चेक करके आपको जो भी चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो. यही बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आपको कुछ दिक्कतें आ रही है आपको जो चाहिए उसमें से अगर आपका रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो आप ये यहाँ पे आके देख सकते हो. अभी मैं कुछ ज़्यादा करूँगा नहीं, इसमें टैप करके ओके करता. Quality, joystick pedal, OK button, speak gold wave. तो ये okay मैंने कर लिया है. इसके बाद कुछ record यहाँ पे कर लेते हैं. Record करने के लिए shortcut की जो है वो Ctrl F9 है और stop के लिए Ctrl F8 है. तो मैं अभी यहाँ पे Ctrl F9 करता हूँ और कुछ record कर लेते हैं. Record properties, device. Hello दोस्तों, मेरा नाम Tejas. Control, play 3 button. बेंद्रे है. और आज हम जो है वो इसमें गोल्डवे के बारे में जानने वाले हैं. कंट्रोल एफ एट करता हूँ तो जॉज वैसे बोलता है स्टॉप या स्टार्ट जो भी है वो बोलेगा शायद, पर एनवीडे ज़्यादा नहीं बोलता यहाँ पे. तो मैंने कंट्रोल एफ एट किया था तो ये स्टॉप हो चुका है. इसके बाद अगर आपको प्ले करना है तो सिंपल है कि आप स्पेस दबाओ. स्पेस के अलावा भी और कुछ कीज़ हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ. F2, F3 और F4 ये जो है वो प्ले करने के लिए बटन्स है. अगर आपकी गोल्डवे में मल्टीपल ट्रैक ओपन है तो F2 फर्स्ट ट्रैक, F3 सेकंड और F4 थर्ड. एक ही ट्रैक ओपन है तो आप कोई भी प्रेस कर सकते हो. उसके बाद F5 जो है वो बैकवर्ड के लिए है, मतलब स्लो मोशन में वो पीछे आएगा. F6 है फास्ट फॉरवर्ड के लिए. F7 है
प्ले पॉज के लिए और F8 है स्टॉप के लिए। तो ये F2 से F8 तक जो है वो कुछ कीज़ हैं। यहाँ पे तीन और कीज़ है जो आपको यूज़फुल हो सकते हैं इसके साथ ही, मतलब ये तो है उसी के साथ यही प्रोसेस करने के लिए, J, K और L, ये तीन अल्फ़ाबेट है। J जो है वो बैकवर्ड के लिए है, K जो है वो नॉर्मल मोड के लिए है, और L जो है वो फास्ट फॉरवर्ड के लिए है। मतलब मान लो आपने L प्रेस करके फास्ट फॉरवर्ड किया है और आपको फिर से नॉर्मल मोड में आना है, तो आप वहाँ पे K प्रेस कर सकते हो। तो हम F4 प्रेस करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम तेजस कंट्रोल प्ले 3 बटन बेंद्रे है, और आज हम जो है वो इसमें गोल्डवे के बारे में जानने वाले हैं। कंट्रोल F8 करता हूँ, तो ये पूरा फाइल हमने जो अभी रिकॉर्ड किया था वो था। इसका ड्यूरेशन देख लेते हैं। ये जो कुछ मैंने शॉर्टकट की अभी तक बताया या अभी बताऊंगा, तो ये आपको ध्यान में अगर आपने रखा तो आपका जो एडिटिंग है या बाकी जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो गोल्डवे में वो करने में आसानी हो सकती है। तो यहाँ पे शॉर्टकट की है कंट्रोल इंसर्ट, मतलब NVDA कंट्रोल 1, 2, 3, 4, मतलब 1 पे कुछ है, 2 पे कुछ है, 3 पे कुछ है और 4 पे कुछ है। तो मैं प्रेस करता हूँ NVDA कंट्रोल 1, सेलेक्ट द चैनल स्टीरियो। तो मैंने प्रेस किया था इंसर्ट कंट्रोल 1 न्यूमेरिक 1, तो उसने चैनल बताया कि आपका मोनो है या स्टेरियो चैनल इसमें है। उसके बाद मैं प्रेस करता हूँ इंसर्ट कंट्रोल 2 न्यूमेरिक 2, ट्रैक लेंथ 1:00, ये ट्रैक लेंथ है, पूरा जो ट्रैक का लेंथ है वो बता रहा है ये। फिर से प्रेस करते हैं इंसर्ट कंट्रोल 3, 0.00 to 16.196, तो ये बता रहा है स्टार्ट और एंड, मतलब कितना उसमें है। मतलब होता क्या है, जब आप न्यू प्रोजेक्ट रन करते हो तो वहाँ पे आपको कुछ मिनट्स मिल जाते हैं, मतलब एक मिनट का वो ट्रैक मिल जाता है। और आपने अभी देखा तो इंसर्ट कंट्रोल 3 करने के बाद वो 16 सेकंड उसने कहा है, यानी कि 16 सेकंड जो है उसमें सिर्फ रिकॉर्ड हुआ है 1 मिनट में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका स्टार्ट और एंड कहाँ पे है। और इंसर्ट कंट्रोल 4 पे जो है वो जूम लेवल है, जूम लेवल 1:00, ये भी 1:00 है, मतलब 1 मिनट है। ये जूम जो है वो अगर आपकी बहुत बड़ी फाइल है तो आप आगे पीछे जाने के लिए ये जूम कम या घटा सकते हो। ये अभी मैंने शॉर्टकट की बताया वो सारे NVDA के थे। आप में से अगर कोई जॉज यूज़ कर रहा है तो उसके भी शॉर्टकट की मैं आपको बता देता हूँ। कुल 6 शॉर्टकट की इसमें है। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेक्टेड चैनल, मतलब कितने चैनल रनिंग है वो। उसके लिए है अल्ट शिफ्ट सी, मतलब सी फॉर कैट। अगर ये आप प्रेस करते हो तो आपका मोनो में ट्रैक चल रहा है या स्टेरियो में चल रहा है वो आप देख सकते हो। उसके बाद 2 शॉर्टकट की है, वो टोटल टाइम ऑफ ड्यूरेशन है और एलैप्स टाइम है, मतलब टोटल टाइम में आपका जो ट्रैक है वो कितने समय का रिकॉर्ड हुआ है वो है, या फिर जो भी आपने ओपन किया है फाइल वो कितने टाइम का है वो आप देख सकते हो। वो आप देखेंगे अल्ट शिफ्ट टी से, टी फॉर टाइगर, और अल्ट शिफ्ट ई से, ई फॉर एलिफेंट जो है वो, उससे आप इलैप्स टाइम देखेंगे, मतलब अगर आप बीच में कहीं पे हो, थोड़ा सा आपने सुन लिया है तो कितना समय बचा है उस फाइल को ख़त्म होने के लिए वो आप चेक कर सकते हो। इसके बाद और 3 शॉर्टकट की है, वो है स्टार्ट मार्कर पोजीशन, एंड मार्कर पोजीशन और ड्यूरेशन ऑफ सिलेक्टेड एरिया। मतलब ये स्टार्ट और एंड मार्कर से जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया उसका पोजीशन आप जान सकते हो, उसका ड्यूरेशन जान सकते हो। तो स्टार्ट मार्कर का जो है वो है अल्ट शिफ्ट एस, फिनिश मार्कर का है अल्ट शिफ्ट एफ, और ड्यूरेशन ऑफ सिलेक्टेड एरिया का जो है वो है अल्ट शिफ्ट डी। तो SDF ये शॉर्टकट की है, ये आप समय समय पे जो है वो इस्तेमाल में ला सकते हो। इसको हम जो है वो सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो आप अल्ट एफ करके फाइल मेन्यू में जाओ और डाउन एरो से वापस सेव का ऑप्शन होगा उससे आप सेव को एंटर कर सकते हो, या फिर कंट्रोल प्लस एस अगर प्रेस करते हो तो सेव का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। मैं यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ। सेव साउंड दिस डायलॉग फाइल नेम कॉम्बो बॉक्स कोलैप्स्ड एडिट ऑल एंड सिलेक्टेड अनटाइटल्ड 1 वाव अनटाइटल्ड 1 मैं डाल जाता हूँ उसको मेरा नाम डाल देता हूँ।
टैप करते हैं Save as type, combo box wave, WAV, collapse alt T. यहाँ पे आप जो है वो फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हो कौन से फॉर्मेट में आपको ये फाइल सेव करना है Sun, Omega, Apple C, Wave, WAV. होम मैंने प्रेस किया है डाउन अरो करके डाउन अरो करता हूँ अभी यहाँ से MP3 है हम MP3 में इसको जो है वो सेव करते Wave, MP3 टैप करूंगा यहाँ से Save sound as dialog, toolbar, hide folder attributes, button. एट्रीब्यूट्स में आप बिट रेट उसका सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके को कितने बिट में उसको सेव करना है 64 बिट में 128 में सेव बटन ऑल्ट एस और ये सेव बटन है आप चाहे तो शिफ्ट टैप करके जो है वो लोकेशन भी चेंज कर सकते हो मैंने लोकेशन चेंज किया नहीं है आप वहाँ पे जाके वो चेंज कर सकते हो स्पेस प्रेस अ गोल्ड वेव टेक एज MP3 तो दोस्तों इस भाग में इतना ही हमने इसमें रिकॉर्डिंग तक देखा है कि कैसे इंस्टॉल करने के बाद या न्यू प्रोजेक्ट रन करने के बाद रिकॉर्डिंग करना है उसके कुछ शॉर्टकट की भी मैंने बताया है आप उसे याद रखिए क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और नेक्स्ट पार्ट में हम जो देखेंगे वो है एडिटिंग और कुछ फीचर होंगे और वो जो एडिटिंग है वो हम इसी फाइल के ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए शुक्रिया